हेलो एवरीवन, आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ चॉकलेट ग्लासेस, जिसमें कि हम ग्लासेस बनाएंगे चॉकलेट से और हमें उसके लिए व्हिप्ड क्रीम चाहिए होगी। आप अमूल की फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हो और कुछ फ्रूट्स चाहिए। तो सबसे पहले हम चॉकलेट को मेल्ट करके चॉकलेट को ग्लासेस में कन्वर्ट करेंगे। ये मैंने कुकिंग चॉकलेट लिया है। आजकल ये आपको किसी भी कॉन्फेक्शनरी शॉप्स पे, बेकरी शॉप्स से बहुत इजीली मिल जाती हैं। ये डार्क चॉकलेट है, ये मिल्क चॉकलेट है। मैं डार्क चॉकलेट का रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा रखूँगी। ये देखिए, चॉकलेट ग्लासेस बनाने के लिए मैं इस तरह का मोल्ड एक ले रही हूँ, जो कि आप देख सकते हैं कि चॉकलेट ग्लास की शेप में है। तो ये मोल्ड अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी सिलिकॉन की ट्रेस, जो कि आप आइस जमाने के लिए भी यूज़ करते होंगे, सिलिकॉन की ट्रेस बहुत ईजीली जिनसे आप निकाल सकते हैं अपने चॉकलेट्स को, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने दोनों चॉकलेट्स, डार्क और मिल्क, मैंने इस कंटेनर में डाला है जो कि माइक्रोवेव प्रूफ है। अब मैं इसको माइक्रोवेव में 4 to 5 मिनट्स के लिए थोड़ा सा मेल्ट करूंगी, उसके बाद मैं इसकी टेम्परिंग स्टार्ट करूंगी। ये देखिए, माइक्रोवेव में मैंने चॉकलेट को मेल्ट कर लिया था। टेम्परिंग हम उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें कि हम चॉकलेट को अच्छे से मिक्स करते हैं और उसको एकदम स्मूथ पेस्ट में कन्वर्ट करते हैं। मैं अपने आने वाली कुछ वीडियोस में आपको चॉकलेट मेकिंग के सेशंस दूंगी, जिसमें मैं आपको चॉकलेट्स, प्लेन चॉकलेट्स से लेकर के वेरिएशंस ऑफ डिफरेंट चॉकलेट्स बताऊंगी। और अगर आपके पास कंपाउंड नहीं है घर में तो आप किस तरह से चॉकलेट बना सकते हैं, मैं आपको वो भी उन वीडियोस में शेयर करूंगी। तो अब देखिए, आज की रेसिपी के लिए ये मेरा चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गया है, स्मूथ टेक्सचर में कन्वर्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। कभी भी मोल्ड्स के अंदर हम बहुत ज़्यादा गर्म चॉकलेट के इसको बैटर को नहीं डालते हैं, थोड़ा सा ल्यूकवॉर्म होता है तब हम इसको मोल्ड्स के अंदर शिफ्ट करते हैं। चलिए अब इस मिक्सचर को मोल्ड्स के अंदर फिल करते हैं। देखिए, अब जो हमारा एक्स्ट्रा निकल गया है उसको हम चॉकलेट को वाइप कर देंगे टिश्यू से। अब बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मुझे इसके अंदर एक हॉलोनेस चाहिए, उसके अंदर मैं अपनी फिलिंग करूंगी। तो उसके लिए मुझे ये, एक बार मैंने पहले मोल्ड्स के अंदर पूरा चॉकलेट फिल किया है, अब मैं क्या करूंगी, मैं कोई कंटेनर लूंगी, कोई प्लेट लूंगी फ्लैट सरफेस वाला, और मोल्ड को अब आप देख सकते हैं मैंने चॉकलेट को एकदम फिल किया था। पूरा फिल करने के बाद मैंने उसको वापस से उसका एक्स्ट्रा चॉकलेट निकाल दिया। नाउ यू कैन सी देयर इज अ हॉलोनेस इन बिटवीन दीज ग्लासेस, यू कैन सी दैट। जब मैं इनको फ्रिज में रखूंगी और बाहर निकालूंगी, आपको बिल्कुल ग्लास की शेप में चॉकलेट मिलेगी। तो ये जो एक्स्ट्रा हमने चॉकलेट हमारा फैल गया है, इसको हम हटा देंगे। अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। हम इसे फ्रीजर में नहीं रखेंगे, नॉर्मल फ्रिज में नीचे ही आप इसको सेट करके आएंगे फॉर 15 to 20 मिनट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो एक्स्ट्रा चॉकलेट हमने वेस्ट कर दिया है, इसका क्या करें। इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, या तो आप इसको वापस से इस कंटेनर में डाल सकते हैं और रीयूज कर सकते हैं। बट अगर आपको नहीं करना तो मैं आपको एक और अच्छा आइडिया दे रही हूँ। ये मेरे पास कुछ म्यूसलीज हैं, आप कॉर्नफ्लेक्स भी यूज कर सकते हैं, और मैं इनको इसमें इस तरह से मिक्स करूंगी। थोड़ा सा हाथ आपको गंदा करना पड़ेगा अपना, और इस तरह से आप इसको आपके पास घर में बटर पेपर है तो आप प्लेट के ऊपर बटर पेपर लगा सकते हैं, अदरवाइज आप इस तरह से ये मैंने व्हिप्ड क्रीम लिया है। व्हिप्ड क्रीम भी आपको बेकरी शॉप्स पे बहुत इजीली आजकल मिल जाता है, बट अगर आपको व्हिप्ड क्रीम नहीं मिलता तो आप अमूल का फ्रेश क्रीम यूज़ कर सकते हैं।
और उसमें चीनी को पीस करके ऐड करें और अच्छे से बीट करें। व्हिप क्रीम में हमें चीनी नहीं मिलानी पड़ती है, इसमें ऑलरेडी स्वीटनेस होती है। अब हम इसको बहुत अच्छे से बीट करेंगे और इसको एकदम फ्लफी लुक जब इसका क्रीम का आ जाएगा तब हम इसमें फ्रूट्स ऐड करके और ग्लास के अंदर फिल करेंगे। देखिए हमने 15-20 मिनट बाद, लगभग 20 मिनट बाद हमने अपने मोल्ड को बाहर निकाला है। अब हम अपने ग्लासेस को किस तरह से निकालेंगे, आप मोल्ड को उल्टा करेंगे, ये देखिए बहुत ही आराम से प्रेस करना है ताकि आपके ग्लास टूटे नहीं और बहुत इजीली बाहर आ जाएं। वेरी जेंटली आपको डीमोल्ड करना है। ये देखिए आपके ग्लासेस रेडी हैं इस तरह से। अब जब तक हम इनकी फिलिंग रेडी करते हैं तब तक हम इन्हें फ्रिज में ही रखेंगे, अदरवाइज ये मेल्ट डाउन हो जाएंगे। ये देखिए क्रीम इस तरह से हमारा एकदम फ्लफी हो गया है। और ये मैंने यहाँ पे कुछ फ्रूट्स काट के रखे हुए हैं, ग्रेप्स हैं, एप्पल है, बनाना है। आप और भी कोई अगर आपको फ्रूट घर में है और जो आपको लगता है कि आपके बच्चे खा लेंगे, आप प्लीज़ उनको इसमें ऐड कर दीजिएगा। अगर आप इसमें थोड़ा सा रम का एसेंस मिला देंगे तो आपकी ये रेसिपी फ्रूट क्रीम में ये देखिए ये आपकी फ्रूट क्रीम एक्चुअली में रेडी हो चुका है। अगर मैं इसमें रम मिला दूंगी तो ये आपकी ओरिजिनल फ्रूट क्रीम की रेसिपी हो जाएगी। इसमें आप नट्स भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मैं इस तरह से अपने ग्लासेस के अंदर फिल करूंगी। ये मैं थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए ऊपर से मेल्टेड चॉकलेट इसमें इस तरह से डाल रही हूँ। ये करने के बाद हम इसको वापस फ्रिज में रखेंगे और जब भी आपके गेस्ट आए आप उस टाइम पे इसको फ्रिज से निकाल के सर्व करिएगा, अदरवाइज चॉकलेट है तो मेल्ट हो जाएगी। गर्मियों में तो बहुत ध्यान से आपको ये रेसिपी बनानी पड़ेगी। अब मैं इसके ऊपर ये थोड़े से टूटी फ्रूटी ऐड कर रही हूँ। ये भी हमने घर पे ही बनाई है टूटी फ्रूटी भी। मेरे आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आपके साथ हाउ टू मेक टूटी फ्रूटी एट होम वो ज़रूर से शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर रेसिपीज। और ये देखिए जो हमने म्यूसली के साथ माउंटेन्स बनाए थे, चॉकलेट माउंटेन्स, वो भी आप देख सकते हैं हमारे तैयार हैं। अगर आप नीचे बटर पेपर लगाएंगे तो बहुत इजीली आप इनको निकाल सकते हैं, बहुत ही क्रंची बनते हैं ये, आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए बहुत इजीली निकल के आ रहे हैं ये, आप देख सकते हैं हमारे चॉकलेट ग्लास एकदम रेडी हो गए हैं।